टाइटन पहला, दूसरा एसबीआई। सतपति साहब आप भी कुछ बेच रहे हैं क्या? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी। हाँ अनुज आशीष जी, मुझे लगता है थोड़ा सा स्ट्रक्चर थोड़ा बिगड़ गया है। प्रोबेबली एक फुल बैक मिल सकता है, लेकिन वो फुल बैक विल बी यूज टू लिक्विडेट लॉन्ग पोजिशन, दैट इज वॉट द स्ट्रक्चर इज सजेस्टिंग। निफ्टी प्रोबेबली आप देखो 18,200 को अनफोल्ड करा है, 18,500 18,550 का मुझे लगता है यहाँ पे सप्लाई रहेगा, तो लेट्स सी हाउ डज इट पैन आउट। लेकिन स्ट्रक्चर थोड़ा बिगड़ गया ये मैं मानता हूँ, तो आज सेल करूंगा बाटा। बाटा देखिए, कल यहाँ पे एक सीरियस ब्रेकडाउन देखा गया। अगर आप ओवरऑल इसका डेटा भी देखें तो यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप है, हेवी शॉर्ट बिल्डअप है। 1650 के आसपास का इसका कल का क्लोज है, तो 1680 के स्टॉप लॉस के साथ इसे बेचना है, फुल बैक मिले तो और बेहतर, क्योंकि हम लोग स्टॉप लॉस को थोड़ा एडजस्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे बाटा सेल करें, इनिशियल स्टॉप लॉस 1680 होगा, 1600 का सपोर्ट रहेगा, लेकिन चार्ट देख के लगता है कि ये 1570 तक भी गिर सकता है, तो यहाँ पे हेवी शॉर्ट जो है वो बाटा में दिख रहा है। आशीष जी, और एक चीज है कि यहाँ पे अगर आपको ऑप्शंस के जरिए काम करना है, क्योंकि वोलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा होगी, दोनों तरफ के स्विंग्स मिल सकते हैं कल के सेल ऑफ के बाद, तो 1660 का यानी इन द मनी का पुट आप बाय करें। 35 का कल इसका ब्रेकआउट था, 39 का क्लोज है, तो 35 के ऊपर बाय करना है 25 के स्टॉप लॉस के साथ, 70 प्लस का टारगेट रखे इस 1660 के का। ये तो बाटा का 1660 का पुट आपको ट्राई करना है। ये राजेश सतपुते जी की कॉल। बैती साहब गुड मॉर्निंग। बैती साहब, आज का प्रेफर्ड ट्रेड? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी। आशीष जी, आज का प्रेफर्ड ट्रेड रहेगा जी एंटरटेनमेंट में शॉर्ट कॉल। जिस हिसाब से कल चार्ट खराब हुआ है जी का, स्टॉक 20 डेमा के नीचे स्लिप हो गया और 200 डेमा के बीच पे ऊपर है। हमें लग रहा है कि अगर 200 डेमा इसका ब्रेक होता है तो इसमें अच्छा खासा एक सेलिंग प्रेशर इंटेंसिफाई होता हुआ देखने मिल सकता है। तो जी में बिकवाली की सलाह रहेगी, जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इसमें वो 262 का, फॉर अ टारगेट ऑफ 250 के लिए इसमें शॉर्टिंग पोजिशन बनाई जा सकती है। जिन्हें अगर ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करना है इसमें, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल हो जाएगा ऑप्शन के थ्रू अगर ट्रेड करेंगे, तो 255 का पुट खरीदने की सलाह रहेगी। 4.25 के करीब ये क्लोज हुआ था कल का, 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए इसमें। हमें लगता है कि 8 रुपए तक के टारगेट इसमें देखने मिल सकते हैं। जी एंटरटेनमेंट कल मेरे ख्याल से वो नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज पे भी ये स्टॉक रिएक्ट कर रहा था। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।